ये आतंकवादी यहाँ अलाउड नहीं होंगे इस कदर चिल्लाना। ये आतंकवादी सोच की किसी को बोलने नहीं देना है, ये उचित नहीं। फिर आप बोलिएगा, मैं कहाँ आपको रोक रहा हूँ। देखिए अमीश भाई, सिर्फ इतना कह रहा हूँ, चलिए हमने कश्मीर फाइल्स के पोस्टर लगा लिए, कम से कम अरविंद केजरीवाल जी, आपने अपने काउंसलरों को कहा था हिंदुओं को मारने के लिए छतों के ऊपर पेट्रोल बम रखो। इमरान हुसैन, क्या कौन सा हुसैन है वो जो जेल के अंदर, ताहिर हुसैन, वो ताहिर हुसैन के छत के ऊपर हिंदुओं को मारने के लिए अरविंद केजरीवाल जी, आप और आपके गुर्गों ने बम रखवाए थे, हिंदुओं का कत्लेआम करवाया। कम से कम हमने पोस्टर लगाए हैं सच्चे विषयों में, मारने के लिए बम नहीं फेंका है इनके तरह छतों के ऊपर। पोस्टर लगाए, मैं बता, छतों के ऊपर से बम नहीं फेंके, और इन्होंने इनकी हिम्मत। दोस्तों आगे आप इस वीडियो के अंदर देखोगे, संबित पात्रा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, वो पूरी डिबेट के अंदर मजे ले लेके शोएब जमाई की ऐसी की तैसी करेंगे, जिसको देखते हुए शोएब जमाई इस डिबेट के अंदर बखला जाएंगे और इस डिबेट को हाईजैक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों डिबेट के एंगर अमीश देवगन जी ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं देंगे। तो दोस्तों डिबेट बड़ी धमाकेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। और अगर आप यही वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर से करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कश्मीरी पंडितों के ऊपर हंसी मजाक करे, इनकी हिम्मत लगाए, ये इस देश में रह करके यहाँ पर हिंदुओं के खिलाफ मजाक उड़ाया, ये कह रहे हैं कि मजाक उड़ाने का विषय क्या है, एक बताइए। मैंने कश्मीरी हिंदुओं के साथ इतनी बड़ी त्रासदी हुई, आरे गिरजा टिक्कू का गैंग रेप करके उसको आरे के बीच में काट दिया गया। अरे भाई मुझे सब पता है, क्या पता है आपको, इसको हमें पता है, इनको कैंसर का ट्रीटमेंट पता है, सब कुछ पता है। पिक्चर से पहले भगवान है, बिल्कुल हम इसे पिक्चर से पहले भी हमें पता है, इनसे पूछिए, सब कुछ पता है भाई। तुम बाकी किसको लगा रहे हो, ये बताओ कितने कश्मीरी पंडितों को बसाए वहाँ, कितनी कॉलोनियां, रिड्रेशल आपके होते हुए बसाइए कहाँ से, आप तो उड़ा देंगे। डिस्ट्रेस सेल का क्या हुआ आप यहाँ से, जी जी जी, अब योगी आदित्यनाथ दोबारा सीएम बन गए तो अमरोहा में पत्थर चल गए। देखिए आपने एतराफ किया और ये अच्छी बात है कि आपने एतराफ किया, और इसके कुछ एविडेंसेस मैं और देता हूँ कैसे बदला देश। 2014 मई के महीने में जब मोदी जी ने शपथ ग्रहण किया, अभी तो योगी जी के बाद आया नहीं तो एक स्टेटमेंट आया, बीजेपी वाले भूल जाएंगे, रमानी साहब आप नहीं भूलेंगे, 14 मई 2014, ऐसा क्यों आप मुझे जवाब देने की इजाजत दे रहे हो, मैं तो खामोशी खड़ा हूँ। रूल इज रूल है, अगर आप हिजाब पहन के जा रहे हो तो फिर स्कूल का मतलब ही क्या हुआ, वहाँ पे आप सिक्योरिटी रूल सिखा रहे हो ना, कि कोई है नहीं। स्कूल में भी गायत्री मंत्र पढ़ते हैं सब लोग। नहीं नहीं सोहेब जमाई जी, जब तक हम जीवित रहेंगे स्कूल में गायत्री मंत्र चलेगा, ये धमकाना बंद कर दीजिए। धमकाना नहीं, बिल्कुल धमकाना बंद कर दीजिए। गायत्री मंत्र कोई हिंदू नहीं है, तो फिर रिलीजन बता दे, गायत्री मंत्र कोई हिंदू नहीं है, तो गायत्री मंत्र हिंदुस्तान है, तो रिलीजन गायत्री मंत्र हिंदुस्तान है, ये धमकाइए मत, गायत्री मंत्र ना, बिल्कुल सुन लीजिए आपका सब कुछ, एक सेकंड, और हमारा हिजाब गलत अमीश भाई, तो ये हमारा गायत्री मंत्र नहीं है, ये हम सबका गायत्री मंत्र, ये रिलीजन ये देश का गायत्री मंत्र है, इस धरती का गायत्री मंत्र है, ये हिंदुस्तान का गायत्री मंत्र है। हम गायत्री मंत्र लेके मारते नहीं, हम बम नहीं फेंकते हैं, ये अल्लाह अकबर बोल के बम फेंकते हैं। किसने गायत्री मंत्र बोल के बम फेंका, एक उदाहरण दीजिए, एक उदाहरण दिखाइए, ये तय नहीं करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले शोएब जमाई की। शोएब जमाई ये वही आदमी है जो एक दूसरे डिबेट शो के अंदर बैठे हुए थे और वहाँ पे किसी डिबेट एंकर को कुछ दिखा रहे थे अपने व्हाट्सएप के ऊपर, जहाँ पे इनके व्हाट्सएप के अंदर एक ग्रुप बना हुआ था और उसमें लिखा हुआ था अब राम को बैन करने का समय हिंदुस्तान में आ गया है। जो आदमी ऐसे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों से आप अपेक्षा करोगे कि ये कश्मीरी पंडित कुछ अच्छा बोलेंगे, तो भैया आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ये हंसेंगे ही ऐसे और आगे भी हंसते रहेंगे, अभी भी हंसेंगे, जब तक आप इन्हें बुलाना नहीं छोड़ोगे डिबेट के अंदर, तब तक ये हम पे ऐसे ही हंसते रहेंगे। अब आपको तय करना होगा कि भैया ऐसे लोगों को डिबेट में बुलाना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ कट्टरता फैलाने के लिए आते हैं डिबेट के अंदर, ये कहीं पर भी शांति नहीं चाहते, ये अशांति फैलाने वाले लोग हैं। तो कृपया करके आप इन्हें जब तक इन्हें तूल दोगे, जब तक आप इन्हें डिबेटों के अंदर बुलाओगे, तब तक ये ऐसे ही अपना मुंह गंदा करेंगे और हमारे धर्म के बारे में या किसी और के धर्म के बारे में ऐसे ही अनाप शनाप बकते रहेंगे, इनका काम ही है, ठीक है। तो आप इन्हें बुलाओ मत, ये कुछ नहीं बोलेंगे, इन्हें जब तक पब्लिसिटी नहीं मिलेंगे चुपचाप एक कमरे में बैठे रहेंगे, जब तक आप इन्हें बुलाओगे तो ये भैया ऐसे ही डिबेट के अंदर अनाप शनाप बकवास करते रहेंगे। अब आपको डिबेट तय करना है कि आपको इन्हें बुलाना है कि नहीं बुलाना। मैं अमीश देवगन जी और सभी न्यूज़ डिबेट वालों को बोलना चाहूँगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप यही वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो भी जरूर करिएगा। तो अब वीडियो समाप्त करने का समय आ चुका है, फिर मिलेंगे ऐसे वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।